नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस परीक्षा कैलेंडर से उम्मीद थी कि एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, बीईओ की भर्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या होने वाला है, ये भर्तियाँ कब आएँगी और इनकी परीक्षाएँ क्या 2024 में होंगी कि नहीं होंगी, इस बारे में एक चर्चा करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे बातें आपकी पूरी क्लियर हो सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और इसमें परीक्षाओं की संभावित तिथियां यहां पे जारी की गई हैं। 28 जनवरी को और 4 फरवरी को शुरुआत की जो पहली दो परीक्षा तिथियाँ उनको अनारक्षित कर दिया है। इसके साथ 11 फरवरी को सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा रखी गई है। 25 फरवरी, 3 मार्च, 9 मार्च को आरक्षित रखा गया है और इसके बाद सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 रखी गई है 17 मार्च को। यानी कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2024 वाली जो है वो 17 मार्च को होगी। इसके बाद स्टाफ नर्स की परीक्षा है, सहायक नगर नियोजक की प्रारंभिक परीक्षा है, अपर निजी सचिव परीक्षा है, स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा है, ये सब 24 अप्रैल तक हो जाएंगी। फिर 24 अप्रैल से 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 5 मई, 12 मई, 19 मई, 2 जून, ये सारी परीक्षा की डेट आरक्षित रखी गई हैं। स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा पुरुष महिला वाली 9 जून को होगी, 19 जून फिर आरक्षित है। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 19 जून को रखी गई है, 16 जून आरक्षित है, 19 जून को परीक्षा रखी गई है, 30 जून को आरक्षित रखा गया है और पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा 7 जुलाई को रखी गई है, 21 जुलाई को आरक्षित रखा गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 28 जुलाई को रखा गया है। इसके बाद 6 अगस्त आरक्षित है, 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्ययन की परीक्षा रखी गई है। इसी प्रकार से अन्य परीक्षाएं भी इसमें रखी गई हैं। 22 दिसंबर तक परीक्षा तिथि दी गई है। इसमें आगे यहां पे देखिए लिखा हुआ है समस्त तारांकित, यानी कि जिसके सामने स्टार बना हुआ है, ये देखिए स्टार बना हुआ है इनके सामने, समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी की भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यान किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथा संभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएगी। यानी कि जीडीसी वाली भर्ती जो है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है जिसको प्रवक्ता बोलते हैं, वो परीक्षा जो है इसी डेट में किसी डेट में रखी जाएगी, जो ऊपर स्टार मार्क रखा गया है, आरक्षित रखा गया है। तो ये परीक्षा तो होनी है क्योंकि ये वैकेंसी भी आयोग को मिल चुकी है और इस वैकेंसी का विज्ञापन भी आना है। इसके साथ साथ आगे लिखा हुआ है कुछ अन्य पदों पर, जैसे कि प्रवक्ता हो गया, ये जीआईसी प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड, ये दोनों भर्ती भी आयोग के पास है। खंड शिक्षा अधिकारी, इन तीनों परीक्षाओं पर शासन स्तर से समकक्षता के निर्णय के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो ये बताया गया है कि इसमें जैसे ही शासन से जो है समकक्षता विवाद सुलझेगा, वहां से जो इनके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि कौन से परीक्षा के लिए कौन सा विषय समकक्ष है, तो उसके बाद इसका विज्ञापन निकाला जाएगा और जो आरक्षित तिथियाँ दी जा रही इन्हीं में से कोई एक डेट इन परीक्षाओं के लिए रखी जाएगी। अलग अलग डेट हर एक परीक्षा के लिए रखी जाएगी। आगे लिखा हुआ है यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा आदि की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन उपरांत उपरोक्त परीक्षाएँ यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो सब मिला के ये कहा जा रहा है कि ये जो आरक्षित तिथियाँ दी गई हैं इनमें परीक्षाएँ होंगी, इन आरक्षित तिथियों में परीक्षाएँ होंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विज्ञापन जब आता है तो विज्ञापन निकलने के और फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद 60 दिन का समय आयोग को चाहिए होता है। तो आप देख लीजिए, जहां तक उम्मीद बन रही है कि इन परीक्षाओं की जो तिथियां हैं, जैसे एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल मई की जो डेट आ रही है इसमें आपके एग्ज़ाम पढ़ सकते हैं, इनमें से किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम पढ़ सकता है।
अगर जनवरी के लास्ट तक ये वैकेंसी आ जाती है तो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक महीना तो ये देंगे आपको फॉर्म भरने के लिए, अगर जनवरी के लास्ट में वैकेंसी आती है तो पूरा फरवरी आपको फॉर्म भरने में निकल जाएगा, फिर अप्रैल की डेट जो है ये डेट आपको सूट करती है एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए, या फिर जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए, या फिर बीईओ की परीक्षा के लिए। जो भी वैकेंसी जैसे आएगी, जो पहले आएगी उसका जो परीक्षा तिथि पहले होगा, जो बाद में आएगी उसकी परीक्षा तिथि बाद में होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।